नमस्कार दोस्तों, आ गए हम अपने YouTube चैनल पर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि जो भी परिवार अपने बच्चों को या फिर अपने फैमिली को चलाने में असमर्थ है, उन्हें बिहार सरकार 4000 की महीना उन्हें मासिक रूप से देगी। वो 4000 रुपये किनके लिए है, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, उसके लिए हम सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कृपया वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपकी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिस हो सकती है। तो चलिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको कैसे करना है। सबसे पहले है आप यह समझ लें कि बिहार स्कॉलरशिप स्कीम 2024, इसमें 4000 रुपये हर महीने आपको मिलने वाले हैं। ये बिहार सरकारी क्या है, स्पॉन्सरशिप योजना है, जिसके तहत आपको यह लाभ मिलेगी। आगे है बिहार स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप 2024 महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बहुत ही अच्छी भर्ती योजना चलाई जा रही है, और इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से जोखिमपूर्ण परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले परिवार को देखभाल एवं जो अन्य ज़रूरत है उसके लिए शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से प्रतिमा कुछ पैसे दिए जाएंगे। वो किस तरह से पैसे दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, वो आगे बताते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कितने की राशि है, 4000 की राशि है, ठीक है, और बिहार सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना है। चलिए यह लाभ किनको मिलने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता मतलब उसको पैसे प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत सरकार के तरफ से बच्चों को प्रतिमा 4000 रुपये दिए जाएंगे, और यह पैसे बच्चे को अपने जीवन यापन के लिए दिए जाएंगे। मतलब कि फैमिली में उस बच्चे के खाने पीने की जो दिक्कत होती है, कई सारे ऐसे फैमिली होते हैं जिनका पारिवारिक आय कम होता है या फिर अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, या फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कमा सके, उसके घर के औरतों को कमाना पड़ता है, तो उसके लिए यह सरकारी योजना चलाई है, जिससे कि उन्हें अपनी आर्थिक सहायता की ज़रूरत के लिए परेशान ना होना पड़े। यानी कि अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह सरकारी योजना चलाई, जो कि बहुत ही अच्छी योजना है। चलिए इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इसमें यह लाभ किन्हें मिलेगा। यह स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप के तहत इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, या फिर सीधा समझ लीजिए कि उनके परिवार में उनके पिता का योगदान न हो, मतलब तलाकशुदा हो गया हो या फिर उन्हें फैमिली से हटा दिया गया। दूसरा है ऐसे बच्चे जो अपने घर से बेघर हैं, निराश्रित हैं, मतलब कि उन्हें खाने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, या फिर विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं, अलग परिवार के साथ रह रहे हैं, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कानून से संघर्ष रद्द हो जाए, जिन्हें बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त किया जाना चाहिए। मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अगर खाने के लिए नहीं है तो उनसे काम करवाया जाता है, या फिर पैसे के अभाव में अपने बच्चों की लोग क्या करते हैं, कम उम्र में शादी कर देते हैं, बच्चों से काम करवाया जाता है, उस सब से बचने के लिए यह सरकारी योजना चलाई है, उन लोगों को यह पैसा दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को जो किसी भी प्राकृतिक आपदा के शिकार हुआ हो, ठीक है, दिव्यांगता, लापता या फिर घर से भागा हुआ हो, जिनके माता पिता या उनके में से कोई एक कारागार के
निरुद्ध हो। ऐसे भी जो HIV और एड्स से प्रभावित हो, जिनके माता पिता आर्थिक शारीरिक मानसिक रूप से देखभाल करने में असमर्थ हो, मतलब कि वैसे माता पिता जो अपने बच्चों को इतना ख्याल नहीं रख पाते, उन्हें इतनी समझदारी नहीं है कि अपने बच्चों को कैसे रखना है, मतलब कि सीधा समझ लीजिए कि उन्हें उनकी सोच शक्ति कमज़ोर हो। वैसे लोगों को जिन ऐसे बच्चे जिनकी सहायता एवं पूर्ण विश्वास की आवश्यकता हो, वैसे बच्चे जो फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले प्रताड़ित उत्पीड़ित या शोषित हों, उन लोगों को ही यह लाभ दिया जाएगा। इसलिए यह वीडियो देखें और अपने आसपास में इस तरह के जो भी अगर व्यक्ति दिखाई दे उन्हें बताएं और उनकी सहायता करें, इस तरह से बताकर या फिर उनकी और भी सहायता करें। ग्रामीण क्षेत्र में यह दिया जाएगा 7200 वार्षिक एक साल का, और शहरी क्षेत्र के लिए आपको 9600 रुपया दिया जाएगा। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं जो हम आपको अभी बता। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या है आपको इसमें लगने वाला है, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए सबसे पहले आपको अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई या प्रोबेशनरी अधिकारी के कार्यालय में जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में। जब तक के लिए